अरे वो असली भूत की नकली कहानी वाला पॉडकास्ट हुआ है रेडी या नहीं? अभी तो नहीं हुआ वो। नहीं हुआ? अरे वो आज ही लाइव करना था यार। कितनी देर में लाइव करना था? 5 बजे तक करना था, अब तो 10 ही मिनट बची हैं। अब तो किसी भी तरह नहीं होगा। हो जाएगा। यही वाली क्लिप्स है ना? हाँ यही वाली है। डन हो गया। अभी तुम्हें ये जो भी हुआ ये मजाक लग रहा होगा कि एक क्लिक में पूरा पॉडकास्ट एडिट, बट नहीं, अब ये भी पॉसिबल है। और हाँ, सिर्फ एक क्लिक में। आओ बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ से तुम्हें उनका प्लगइन डाउनलोड करना है और उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा पॉडकास्ट एक क्लिक में पूरा कट हो जाएगा। और उसके अलावा तुम्हारी क्लिप्स में गैप है तो उसको भी ये एक क्लिक में बिल्कुल रिमूव कर देगा। वैसे ये मैंने भी अब तक ट्राई नहीं किया है, आओ देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम है autopod.fm, ऑटोमेटिक एडिटिंग फॉर वीडियोस, पॉडकास्ट एंड शोज। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये पॉडकास्ट के लिए एक टूल है। तो यहाँ पर इनके फीचर्स देख लेते हैं। मल्टी कैम एडिटर, जहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे कैमराज होंगे, 2-3 कैमराज। सोशल क्लिप एडिटर, अच्छा ये सोशल क्लिप एडिटर क्या करता है, ऑटो रिफ्रेम करता है। यानी कि अगर तुम्हारी वीडियोस तुमने यूट्यूब वाले फॉर्मेट में की है तो उसको ये इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट्स वाले फॉर्मेट में कर देगा। उसके बाद है जंप कट एडिटर, तुम्हारी वीडियो में जितने भी साइलेंस या गैप होंगे उसको सबको हटा देगा। तो हमें ये दोनों ही टूल ट्राई करके देखना है। और अभी चलते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं, स्टार्ट ए फ्री ट्रायल। यहाँ पर मैं डालता हूँ ईमेल। तो वैसे तो इनकी वेबसाइट पे दिखा रहा था कि 30 डे फ्री ट्रायल है, लेकिन इन्होंने पेमेंट पहले करवा ली भाई। अब यहाँ से हम कर लेते हैं डाउनलोड। अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। एग्री इंस्टॉल। तो हमने इनकी वेबसाइट से इनका प्लगइन या फिर एक्सटेंशन जो भी तुम कहो वो कर लिया है डाउनलोड। जैसे ही प्रीमियर में जाएंगे वो वहां पे हमें दिखाने लगेगा। अभी के लिए ये मेरा 30 डे ट्रायल चल रहा है। 30 डे बाद मेरी पेमेंट ऑटोमेटिकली बैंक से कट हो जाएगी, उससे पहले ही मैं कैंसिल कर दूंगा इसको। अभी जाते हैं प्रीमियर प्रो में, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर डालेंगे ऑटो पॉडकास्ट। भाई ऊपर वालों के फ्लैट में ठक ठक भी जब शुरू हो गए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन छोड़ो आओ पॉडकास्ट वाला वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी दोनों क्लिप्स, जितने भी तुम्हारे पास कैमरा हो, मेरे पास 2 एंगल है कैमरा के, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास है सम्राट भाई का पॉडकास्ट जिसमें है टू हर्ष एंड लक्ष्य चौधरी। मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था तो यह मुझे जान कर नहीं लिया गया। धोखा हुआ है मेरे साथ। और हाँ, अभी हमें सम्राट भाई के पॉडकास्ट से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी एलियन स्टोरी या फिर भूतिया स्टोरी वाला पॉडकास्ट नहीं है। छोड़िए वो सब। तो सबसे पहले तुम्हें इनको कर लेना है सिंक। अब हम जाएंगे विंडो, एक्सटेंशन, मल्टी कैम एडिटर। अब यहाँ पर तुम बहुत चीजें चूज कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले A1 जो है वो है लक्ष्य का, A1 यानी कि ऑडियो 1। A2 पे फाइल है सम्राट भाई की, और V1 है हमारा, V1 है लक्ष्य का एंड V2 है सम्राट भाई का। उसके बाद यहाँ पर हमें आ जाना है कटिंग मेथड पर। यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें, या तो तुम स्टैंडर्ड रख सकते हो कि क्लिप्स को काट ही दे, या फिर तुम रख सकते हो इनेबल और डिसेबल करने के लिए, जिससे बाद में हम उसको चूज कर सकते हैं कि हमें वो क्लिप रखनी है या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पर मल्टी शॉट फ्रीक्वेंसी करनी है मीडियम पे, कि कितनी जल्दी तुम्हारे कट्स लग रहे हैं उसमें। 2 स्पीकर है हमारे पास, 2 कैमराज। अब करते हैं यहाँ पर क्लिक क्रिएट मल्टी कैम एडिट। यानी कि ये मुझे कह रहा है कि तुम्हारी जो क्लिप है दोनों वो सेम ही टाइम की होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है वीडियो तो मैं इसको बिल्कुल इसके साइज का कर दूंगा। सिलेक्ट करते हैं क्रिएट मल्टी कैम एडिट एंड ये हो गया चालू। ओ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अबे हो भी गया? अरे नहीं यार, एक बार देखता हूँ। बिल्कुल सही ऑडियो पे बिल्कुल सही कैमरा है तुम्हारा। अगर सम्राट भाई बोल रहे हैं तो सम्राट भाई का ऐसे फेस आ जाता है, और अगर जहाँ पर लक्ष्य बोल रहा है तो वहाँ पर लक्ष्य वाला कैमरा आ जाता है। और ये इसने सिर्फ 2 सेकंड में ही कर दिया है, सिर्फ मेरे एक क्लिक करने के बाद। अब मेरी जॉब सही में खतरे में है। और मैंने वैसे छोटी क्लिप यूज़ करी थी, 8 मिनट की क्लिप है मेरी, और इसमें सिर्फ 2 सेकंड लगे हैं। भाई सही में मेरी जॉब जाने वाली है। अच्छा हुआ मैं पॉडकास्ट एडिट नहीं करता। पर तुम देख सकते हो इसने कितनी जल्दी जल्दी क्रिएट कर दिया ये सब। मैं इसको पूरा देख चुका हूँ, इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। जहाँ पर जो बोल रहा है वहाँ पर हमें उसी की क्लिप दिखती है। बट इसमें एक दिक्कत है जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। ये जब भी काम करेगा जब तुम्हारे हर बंदे की ऑडियो अलग अलग होगी, अलग ट्रैक पर होगी, अलग ऑडियो फाइल तुम्हें अपनी वीडियो से लिंक करनी पड़ेगी। अगर सम्राट भाई की क्लिप है वहाँ पर सम्राट भाई की ही ऑडियो होनी चाहिए, ना कि बाकी अदर साथ में बैठा है उसकी। क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियो में ही कट लगाने के बाद उसके ऊपर हमारा फेस कैम लगाता है। लेकिन जिस स्पीड से इसने करा है, इस स्पीड को कोई भी
पीछे नहीं छोड़ सकता। और जब तुम कंट्रोल जी दबा के देखोगे तो तुम्हें एक एक स्टेप पता लग जाएगा, इसने हर एक स्टेप किया है, लेकिन ये सिर्फ 2 सेकंड में कर दिया इसने। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को दोबारा करूँ, क्रिएट मल्टी कैम क्लिप्स, बट यहाँ पर मैं इनेबल डिसेबल की जगह आपकी बार स्टैंडर्ड कर देता हूँ, तो तुम्हें फर्क पता लग जाएगा कि क्या फर्क है दोनों में। क्रिएट एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो तुम्हें यहाँ पर क्लिप्स जो थी तुम इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते थे अपने हिसाब से, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले में डिलीट ही कर दिया है, बट बाकी सब एकदम एग्जैक्ट है। तो ऑटोपॉड का पॉडकास्ट वाला फीचर तो बहुत ही मस्त था, लेकिन इनका एक और टूल है तुम्हारे इसी एक्सटेंशन में जो मिल जाता है, वो है जंप कट एडिटर। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी वीडियो डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर कितनी जगह स्क्रीन पर देख रहा था और कैमरा के सामने नहीं था मेरा चेहरा। बकवास बात है। अब मुझे इसमें कट लगाने हैं, तो मैं कैसे लगाऊंगा? यहाँ पर कट लगाया, फिर आगे जाऊंगा, फिर सी से यहाँ पर कट लगाया, ये बीच का डिलीट करूंगा। ऐसे होता है काम। बट इससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, जाओ विंडो एक्सटेंशन जंप कट एडिटर, यहाँ पर ये पूछेगा साइलेंस डीबी कट ऑफ, यानी कि 50 dB से नीचे की ऑडियो तुम्हें बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है। क्रिएट जंप कट, और अब इंतजार करो बस। 1, 2, 3, 4, 5 कट लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। 7, 8, 9, 10, 11 सेकंड में इसने पूरा का पूरा वीडियो एडिट कर दिया है 5 मिनट का। और तुम देख सकते हो कोई भी यहाँ पर साइलेंस नहीं है, सारी ऑडियो फाइल्स हैं। अभी जाते हैं प्रीमियर प्रो में, निकालेंगे ऑटोपॉड, तुम देख सकते हो और अच्छे से किया है इसे काम। एक चीज और करता हूँ, पिछला प्रोजेक्ट लक्ष्य वाला लेता हूँ मैं। अब देखते हैं बड़े प्रोजेक्ट का, जब हमारे पास ज्यादा क्लिप्स हो तो ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये है पूरी अराउंड, देखते हैं हम 23 मिनट की क्लिप, एंड अब इसको कट करके देखते हैं। क्रिएट जंप कट, अच्छा ये कह रहा है कि ये मल्टीपल क्लिप्स को एक साथ नहीं कट करता है। अगर तुम्हें कट करनी है तो इसके अंदर इसको कर दो नेस्ट, और सिंगल क्लिप को तुम कर सकते हो जंप कट करके देखते हैं। कंप्लीटेड, -30 से ही कर देंगे इसको डन। इसके बाद फिर इसको नेस्ट करेंगे, इसको एडिट करके देखते हैं अब कितनी देर में करता है। 3, 2, 1 और मैं बिल्कुल कीबोर्ड को हाथ नहीं लगा हूँ, ये जादुई तरह से इस गैप्स को हटाते जा रहा है। यह टूल तो एकदम मस्त है वैसे। मुझे गैप्स हटाने में अराउंड अगर 1 घंटे की क्लिप है तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, बट अब मुझे लग रहा है ये सिर्फ 2-3 मिनट में ही मेरा सारा काम खत्म कर देगा। लक्ष्य को नहीं पता लगनी चाहिए ये ट्रिक। इसे देखते हुए मुझे डर लग रहा है यार थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। कंप्लीटेड, और ये 20 मिनट की टाइमलाइन को कट करके 12 मिनट का बना चुका है। हीरो बन गए रहो, और उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी स्टैंडर्ड के साथ जाओ। अगर आप हर वक्त रियलिटी से कट ऑफ रहना, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते भाई साहब। इस चीज में जो इसने अराउंड सेकंड्स में तो नहीं, लेकिन मैं मान सकता हूँ 3 मिनट के अंदर कर दी है, जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नहीं इतनी जल्दी AI मेरी जॉब नहीं खाने वाला, लेकिन इस टूल को देख के मुझे लग रहा है कि बस अब बट सही बताऊं तो बहुत ही बढ़िया टूल है, इसने बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया है सब कुछ। पॉडकास्ट वाला और जंप कट वाला टूल बहुत ही परफेक्ट है, इनका काम भी अच्छे से करता है, कोई एरर नहीं आते, जल्दी भी हो जाता है, एफिशिएंट भी है। तो क्या मैं इसको पैसा भरकर खरीदना चाहूँगा या नहीं, तो डिपेंड करता है। अगर ये मेरा काम इजी करता है, जैसे कि हल्के हल्के से ये गैप छोड़ता है, तो मुझे बाद में भी कट लगाने पड़ेंगे। बट हाँ, ये एक अच्छा टूल है अगर तुम्हें कहीं भी टाइम सेव करना है तो। पॉडकास्ट वाला तो बेस्ट। तो अगर तुम बहुत सारे पॉडकास्ट शूट करते हो और एडिटिंग में अपना टाइम बचाना चाहते हो तो तुम इस टूल को जरूर यूज कर सकते हो। बाकी मैं पॉडकास्ट वाले टूल को दूंगा 10 में से 8, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और अच्छा भी है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, हालांकि मुझे 30-day फ्री ट्रायल मिला है, लेकिन उसके बाद मेरे पैसे कटने चालू हो जाएंगे। उससे पहले मैं इसका सब्सक्रिप्शन हटा दूंगा, क्योंकि मैं पॉडकास्ट नहीं एडिट करता हूं। बट अगर तुम्हें अपनी वीडियो में से गैप्स को हटाना है, यानी कि जंप कट वाला फीचर यूज करना है, वो भी फ्री में, तो तुम एक टूल को यूज कर सकते हो जिसका नाम है AutoCut। autocut.fc इसकी वेबसाइट है, यहां से तुम इस पर जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पर तुम्हें क्या-क्या मिल जाता है, जंप कट इन प्रीमियर प्रो, प्री कट
ऑटोकट बेस फॉर फास्टर रिजल्ट्स एंड बस यही ये सब यही करता है। और यहाँ पर ये तुम्हें फ्री मिल रहा है, यानी कि वहां पर मुझे अपना कार्ड वार्ड लगाना पड़ा था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, मैंने फ्री डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो गया। इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे विंडोज एक्सटेंशन ऑटोकट। अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। जैसे ही तुम इस एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे ये तुम्हें यहाँ पर ले आएगा और एक तुम्हारे ईमेल पे 14 डे ट्रायल के लिए की भेज देगा। इससे मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। अभी अभी मेरे ईमेल पे आई है और अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इसके दो वर्जन है, ऑटोकट AI और ऑटोकट वर्जन 2। अभी AI वाले पे देखते हैं। अच्छा ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे कट करेगा। अगर ये ऑडियो है मेरी यहाँ पर तो ये रेड वाले को दिखा रहा है, मुझे चाहिए कि और ज्यादा क्लोज में कट करे। मैं जाऊंगा 4 वाले पे। अच्छा AI एग्रेसिवनेस ये बताएगा कि अगर तुमने 1 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बहुत कम जगह से साइलेंस हटाएगा, कहीं कहीं पर छोड़ देगा, बट अगर तुम 4 सिलेक्ट करते हो तो जहां जहां भी साइलेंस है सब कुछ हटा देगा। तुम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो कि जैसे ये गैप था, नीचे तुम देख सकते हो जैसे कि रेड वाला था, यहाँ पर कोई भी ऑडियो नहीं थी, साइलेंस था, तो ये इसको हटा देगा। अच्छा है इंडिकेटर के जगह पर तुम देख सकते हो कि ये क्या क्या हटाने वाला है। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, दबा देते हैं कट। अच्छा जो हमारा ऑटोपॉड था वो यूज़ करना इजी था, वहाँ पर कोई भी इतना सब तामझाम नहीं दिया हुआ था, बट ये भी अच्छा काम कर रहा है। बट ये कैसे काम करता है, ये तुम्हारी वीडियो में पहले कट लगाएगा उसके बाद साइलेंस को रिमूव करेगा, और तुम यहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो कि ये सिर्फ कट लगाए या फिर साइलेंस को रिमूव भी कर दे, तो ये अच्छी बात है। अगर यार ये सब इतना आगे निकल जाएगा तो फिर बहुत ही रिस्की है। और हाँ यहाँ पर जैसे कि ये दिखा भी रहा है 306 कट हैं, उसमें से 180 अब तक हो भी चुके हैं। मुझे यार अब इन सब चीज़ों को देख के डर लगने लगता है कि नहीं अब तो मेरा पत्ता ख़त्म। और यहाँ पर ये हो चुका है कट। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 306 कट हुए हैं 9 मिनट 11 सेकंड्स में। थोड़ा इसने उससे ज़्यादा टाइम लगाया, बट मुझे लग रहा है कि इसके कट ज़्यादा क्लियर हैं उससे, तो जो दो क्लिप्स के बीच में कट होता है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ ऑटो कट वर्जन 2 भी तुम्हें देखने को मिल जाता है, इसमें सेम साइलेंस रिमूवर वो सब होगा, बट यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑटो जूम जो कि अभी बीटा में है, तो यहाँ पर तुम अगर इसको ऑटो जूम करोगे तो ये जूम इन भी कर सकता है कट लगाते लगाते। तो यही था आज की वीडियो में, दोनों ही टूल्स अच्छे हैं। फ्री वाला अगर तुम यूज करके देखने चाहो तो मैंने तुम्हें ऑटो कट बता दिया, और अगर तुम पॉडकास्ट या फिर पेड वाला भी यूज कर सकते हो जो कि थोड़ा अच्छा है, इससे इजी भी है यूज करना, तो तुम ऑटोपॉड के साथ जा सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे, क्योंकि मेरा फ्यूचर खतरे में दिख रहा है अब मुझे। बट नहीं ऐसा नहीं होगा, बाकी काम तो मुझे ही करना है। ओके बाय। बस हाँ बाय, नेक्स्ट वीक मिलते हैं।